हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आराधना इलेक्ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक आयरन है। दोस्तों इस आयरन में मैंने चेक किया था, क्या हुआ कि भूल गया अभी किसी चेक कर दो, फिर बता रहा हूँ क्या हुआ है। दोस्तों देखिए, कभी आयरन चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले लगाते हैं बोर्ड में। हाँ दोस्तों देखिए, ये लाइट जल रहा है, तो मैंने उसे खोल नहीं चेक किया था बराबर, अभी याद आ गया मेरे को। अगर कभी भी कोई आयरन हो और आपने इस तरह से बटन ऑन किया और घुमाया, ये इंडिकेटर जल गया, तो इसका मतलब ये है कि मेरे हिसाब से 99% आपका कॉल चला जाता है, एकदम पक्का है कॉल जाता है। तो इसलिए हमने ग्राहक को ऐसे बोल दिया पैसा कि खर्चा हमारा होगा 150 रुपये। फिर एक इस पर लिखा हुआ है सौरभ 150 रुपये। अब उसमें कॉइल डालने का है तो आपको पूरी स्टिक खोलनी पड़ेगी, यानी पूरी प्रेस खोलनी पड़ेगी। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले पीछे वाला स्क्रू है, इसको खोल लें। और दोस्तों एक एक सामान जो है सभी सामान रखना है, घुमाना नहीं आपको, क्योंकि सामान घूमने से क्या होता है, फिर हमारे को टाइम ज़्यादा लगता है काम करने में और काम भी अच्छा नहीं हो पाता है। फिर दोस्तों क्या करना है आपको, अभी आपको ये वाला खोल लेना है, ऊपर कवर निकाल लेना है। फिर आपको क्या करने का है, आपको ये स्क्रू और ये स्क्रू तीनों खोल लेना है। अब दोनों दोस्तों मैं तीनों स्क्रू खोल लेता हूँ। दोस्तों देखिए, हमने ये निकाल दिया है, उसके बाद हमें बटन निकाल लें। फिर आप दोस्तों देखिए, अभी आपको वायर कनेक्शन देख लेना है, कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ। अगर अनाड़ी है तो, अगर आप दुकानदार होंगे तो आपको देखने जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो समझ आएगा खुद ही। फिर आप इसे सब वायर निकाल दें। अब दोस्तों मैं सब वायर निकाल लेता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने सब वायर निकाल दिया है। अभी आपको इस साइड के जो तीन स्क्रू हैं बॉडी के, इसको खोल लेना है। स्क्रू जो है एकदम व्यवस्थित संभाल के रखें ताकि गुम ना हो जाए। उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता और काम फटाफट होता है। सारे वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है, मैं फेक वीडियो बनाता नहीं हूँ, मेरी आदत पहले से ही है। फिर आप इस तरह से इंडिकेटर बाहर निकालें। हाँ दोस्तों देखिए, ये किसी कलाकार ने इसके अंदर कॉइल डाला पहले से ही, दुकानदार ने। दोस्तों कभी आप कॉइल डालेंगे तो अगर आपको कॉइल इतना नीला बैठ रहा हो तो आपको कॉइल चलेगा नहीं, पहली बात ये ध्यान दीजिए आप। अब मैं ये खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए किसी ने पट्टी भी लगाया इसके अंदर। अब दोस्तों क्या करना है, अभी आपको इसे बाहर खोल लेना है कॉइल के अंदर से। खैर दोस्तों, ये जो कॉइल गया हुआ है, आपको ये बाहर खोलेंगे तो बहुत ध्यान से, यहाँ से चस्सा टूट जाता है। हाँ तो इसे खोलें तो बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से खोलें ताकि वो टूटे नहीं। दोस्तों देखिए, ये जो कॉइल हमारा गया हुआ है, ये ओवर हीट हुआ है। अगर ओवर हीट हुआ हो तो आपको थर्मोस्टेट को भी देख लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा थर्मोस्टेट आपस में पॉइंट चिपक जाएगा तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमारा थर्मोस्टेट है ओके, हमारा पॉइंट एकदम टकाटक है। अब दोस्तों कॉइल निकाला अपने को, तो इस तरह से डाले इसके अलावा ऐसा। खैर दोस्तों, हमारा कॉइल ढिला ही है। हाँ ढिला ही है, निकल जाएगा आराम से, अपने को दिक्कत होने वाला नहीं है। दोस्तों देखिए, अभी किसी ने इसको क्या किया है, कॉइल बिठाने में तकलीफ हो रही है, इसलिए क्या किया, देखो इसे ग्राउंड से घस दिया है। कभी आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपके लगाए हुए कॉइल चलने वाला नहीं है, ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। तो आप गलती से भी इसका जो गाला है, ये खांचा, इसको बड़ा नहीं करना है, क्योंकि आप अपनी सुविधा के लिए बड़ा कर देंगे तो क्या होगा पता है, जब आप ग्राहक से पैसे लेंगे इस स्त्री की लाइफ नहीं रहेगी। और दोस्तों मैं हमेशा ज़्यादा कोशिश करता हूँ, ग्राहक से बोलता हूँ कि आप कॉल नहीं डलवाएँ, ज़्यादातर डायरेक्ट में प्लेट बदली करता हूँ। लेकिन जो कस्टमर बोलता है नहीं सेट बना दो तो डालता हूँ मैं, नहीं तो ज़्यादातर प्लेट बदली कर डायरेक्ट। अब दोस्तों देखिए, आप कॉइल हमेशा जिस शेप में आपका आयरन है उस शेप में लेके आना है। अब दोस्तों देखिए, कॉइल में पड़ा था, ये देखिए सेम कॉइल है हमारा। फिर आप थैली फाड़ लें दोस्तों, थैली फाड़ेंगे तो आपको देख रहा है स्क्रू। दोस्तों जिसका स्क्रू है इसको आप संभाल कर रहे हैं, घुमाएं ना। कभी कभी क्या होता है कि जब आपका स्क्रू पुराना लगता नहीं है तो इसके लिए आपको इसमें लगाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अभी आप कॉइल कैसे लगाएंगे, कॉइल लगाएंगे आपका कॉइल जो है एकदम पूरी तरह अंदर जाना चाहिए, यानी आपको कॉइल जितना टाइट बैठेगा उतना आपकी कॉइल की लाइफ अच्छी रहेगी। तो इस बात को ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आपको बिठाने तकलीफ हो रही है, सीधे घर भी चाहिए तोड़ फोड़ के लगा दिए, ऐसा नहीं लगाना है। हाँ दोस्तों देखिए, मैं तो मेरे पास वॉइस है, मैं हमेशा इसकी तरह प्रेस करता हूँ
मैं अपने भाई से प्रेस करता हूँ, दिखाता हूँ भाई इसको ढीला करें। इसको पहले हल्का हल्का बिठाना नहीं चाहिए, मैं हल्का बिठा रहा हूँ। जब हल्का बैठ जाए सब तरफ से फिर आपको तकड़ लगाना पूरी तरह से। अभी केवल टच कर रहा हूँ सभी को। अब दोस्तों देखिए हमारा कॉइल पूरी तरह सेफ में आ चुका है और ये टच हो चुका है। अब इसको प्रेस करना है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कॉइल प्रेस करने में कॉइल ख़राब भी हो जाता है, तो उसकी चिंता ना करें। अगर एक कॉइल ख़राब भी हो जाता है तो ज़रा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर आपका बना हुआ सामान चलेगा अच्छा तो जो कस्टमर है आपको बार बार आएगा। एक कॉइल उड़ भी गया, ख़राब भी हो गया आपसे, तो दूसरे कॉइल पैसे देके जाएगा वो, तो उसकी चिंता ना करें कि कॉइल ख़राब हो जाएगा। फुल प्रेस करें पूरी तरह से। और छोटा से बचें, यहाँ पे आपको हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। कंपनी क्या करती पता है, उनके पास डाई रहता है, डाई द्वारा एक इम्पोज कर देते हैं इसको, तो उसके लिए देखते होंगे कंपनी के लगाए हुए कॉयल कितना लंबा चलता है, और फिर आप लगाते होंगे तो कितनी जल्दी ख़राब होता है। उसका सिर्फ एक वजह है क्योंकि आप लोग कॉयल से बिठा नहीं पाते। अगर आप कॉयल से नहीं बिठा पाएंगे तो कैसे चलेगा वो। दोस्तों एकदम फुल टाइट करना है ताकि एकदम अच्छे से बैठ जाए कॉइल। दोस्तों आप मेरे वीडियो पे पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि जो मेरी कोशिश है लोगों को सिखाने का वो कोशिश में सफल हो जाऊं और लोग काम सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं और शेयर करने में कोई खर्चा भी नहीं आता आपको। आपको करना क्या है, आप चलाते हो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, जहाँ जो चलाते हैं आप सब पे शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी ज़रूरतमंद के पास वीडियो पहुंच जाए, तो अभी देख के काम सीख सकते। दोस्तों देखिए हमारा कॉइल एकदम पूरी तरह प्रेस हो चुका है, गौर से देखिए आप। आपको चेक करना है क्योंकि आपने प्रेस किया है, हो सकता है कॉइल ख़राब हो गया हो, आपको चेक करना है। दोस्तों ऐसी कॉइल ख़राब होता नहीं कभी, लेकिन बाई चांस ख़राब भी हो सकता है, तो आपको चेक करना है कि आपका कॉइल सही है। दोस्तों कॉइल बता दे रहा है, आप चेक करना है उनको बॉडी शॉट। दोस्तों बॉडी शॉट भी नहीं आ रहा है, हमारा कॉइल बिल्कुल ओके है, देखिए एकदम टनटन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए अभी क्या करना है आपको, अभी आपको लगा देना है थर्मोस्टेट। दोस्तों एक बार थर्मोस्टेट आपको देख लेना है कि पॉइंट पर कचरा धुलमुट्टी ना हो, तो जितना साफ़ सुथरा होगा उतना अच्छा रहेगा। और अगर धुलमुट्टी दिख रहा है आपको तो ब्रश मार दें, साफ कर लें। और फिर दोस्तों देखिए मैं क्या करता हूँ, जब भी आयरन बनाऊँगा, लाइट वेट आयरन हो या प्लांचर हो या सुप्रीम हो, सभी के जो पॉइंट होते हैं ये पॉइंट, इन पॉइंट के अंदर मैं अपने शर्ट का एक भाग ले जाता हूँ, इस तरह ले जाता हूँ और पॉइंट के बीच लगा के इसको साफ़ करता हूँ मैं। ये मेरी आदत है, हमेशा कोई भी आयरन बनाऊँगा मैं तो ये प्रोसेस के थ्रू ये काम करूँगा, मेरी आदत है, मैं हमेशा इसे करता हूँ। तो आपको भी साफ़ करना चाहिए, सही बोलते हैं आप, सर्ट से साफ करिए, ये तो मेरा तरीका है, आप चाहे कभी साफ कर सकते हैं। अब दोस्तों में थर्मोस्टेट फिटिंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए आपको कनेक्शन कैसे करना है, आपने ये लगा दिया थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट एक टर्मिनल आपको लगा देना है यहाँ पे इस तरह से, और आपको जो इंडिकेटर वायर होंगे एक वायर इस टर्मिनल पे, एक वायर इस टर्मिनल पे, और एक वायर न्यूट्रल के लिए आपको यहाँ छोड़ देना एक्स्ट्रा। ये हमारा फेस अब जुड़ेगा, इसमें फेस, इसमें न्यूट्रल, इस तरह का ऐसा करना होता है। दोस्तों इसको बहुत छोटा सा है तो मैं इसे कैसे करता हूँ, क्योंकि शायद अब मेरे हाथ में आएगा ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप समझ लीजिएगा मैं लगाने जा रहा हूँ उसके अंदर। हाँ दोस्तों देखिए हमने वायर लगा दिया, फिर से जादू में ये हमारा कॉइल है और ये हमारा थर्मोस्टेट है। दोस्तों थर्मोस्टेट का एक यानी कि दो वायर लगे हुए इसमें, एक सिरा हमने लगा दिया यहाँ पे, और जबकि इंडिकेटर है आपके इंडिकेटर का दोनों टर्मिनल आपको लगाना है, दोनों लगाना है दोनों कॉइल के टर्मिनल पे, और फिर आपको एक कॉइल पे एक स्टार छोड़ देना है, इसमें लगेगा न्यूट्रल और इसमें लगेगा फेस, यानी हमारा जो पतला वायर है इसमें लगाना है फेस, जड़ा वायर है इसमें लगाना है फेस, वो न्यूट्रल। अब दोस्तों देखिए अभी आप इसको फिटिंग करेंगे,
ये जो आपको देख रहे हैं वाले, इससे घुमाना नहीं, ये रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बिना इस्त्री बनाएंगे आप तो आपका पिघल जाएगा बॉडी, तो आपको इसको गायब नहीं करना है। सबसे पहले आप ये वायर लग घुसाएँ इसके अंदर, और बाकी का तो ये अपने आप घुस जाएगा। बहुत बड़ा जगह इसके अंदर है, उसे चिंता नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से, और आपको ला के इस तरह रख देना इसके ऊपर। सभी स्क्रू हमें टाइट करना है। दोस्तों देखिए हमने बॉडी के स्क्रू लगा दिए हैं, और स्क्रू आपको सभी फुल टाइट करना है, ढीला नहीं छोड़ना है। दोस्तों मेरी तो आदत है, मैं हमेशा जो भी चीज़ बनाऊँगा मैं एकदम सभी को बराबर टाइट करूँगा। टाइट हो गया है, अभी आपको लगा दे रहे हो वायर। जो हमारा जाड़ा वायर है या लक्ष्मी लगा न्यूट्रल, और जो पतला वायर है उसमें लगाना है फेस। अब दोस्तों वायर लगा देता हूँ, और दोस्तों देखिए हमने आपसे पहले कहा कि जो हमारा पतला वायर है या हमारे थर्मोस्टेट से आया हुआ है, जाड़ा वायर है हमारे कॉल से आया हुआ है। तो हमने देखिए जो हमारा फेस है हमने दिया है थर्मोस्टेट वाले वायर को, और जो हमारा न्यूट्रल है आपको दिया है कॉल वाले वायर को। अब दूसरी बार आप दिखाते चला गया फोन कि हमारा करंट कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों देखिए बंद किया हमने, अभी हमारा ऑन हुआ। अब दोस्तों पहले आपको चेक करना है बॉडी शॉट, ऐसे बॉडी शॉट आएगा नहीं, फिर भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप चेक कर लें, दोस्तों देखिए बॉडी शॉट नहीं आ रहा है। अब लगा मेन में, अब दोस्तों देखिए हमने लगा दिया मेन में, दोस्तों देखिए हमारा आयरन कट ऑफ हो चुका है, यानी हमारा थर्मोस्टेट बराबर है, काम कर रहा है। अभी आपको फिटिंग कर रहा है बॉडी, अब दोस्तों बॉडी फिटिंग करता हूँ। अब दोस्तों देखिए हमने सब लगा दिया है, अभी आपको लगा दे रहा है बटन। बटन लगाएं ये वाला खांचा देख के, और फिर आपको लगाना है। अब दोस्तों बटन लगा के मैं पूरा पैक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ चेक करके। दोस्तों देखिए हमारा बॉडी पूरी तरह फिट हो चुका है, और हमारा आयरन ओके है। एक बार आपको फाइनल चेक करता हूँ। और दोस्तों देखिए हमने लगा दिया है, अब मैं बटन घुमा रहा हूँ। देखिए हमारा इन लाइट जल गया, अभी कट ऑफ हो जाएगा, हमारा इस्त्री ओके है। दोस्तों इस तरह से कभी आपका कॉइल ख़राब हो गया हो आपकी इस्त्री का, तो आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि डालू वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों कुछ समझ में आए तो कमेंट करें, मैं अपनी पूरी सहायता करूँगा। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।